हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम भावेश सर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल भावेश सर फिजिक्स। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जो सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 9 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग द सैंपल क्वेश्चन पेपर्स एंड मार्किंग स्कीम फॉर द 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे इस साल 2020-21 के सेशन के लिए, उसमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा उसके लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं और साथ ही मार्किंग स्कीम भी दी हुई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं इन सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को और मार्किंग स्कीम को, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन जो आया है। तो इस तरीके का ये नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं 9 अक्टूबर 2020 को रिलीज हुआ है ये। तो इसमें दिया, एक तो आपको यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है www.cbseacademic.nic.in, ठीक है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको जाना है और साथ ही यहाँ लिंक दिए हुए क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए। तो क्लास 10th के जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है और मार्किंग स्कीम है उसका लिंक है ये वाला, ठीक है। और नीचे वाला जो लिंक है वो है क्लास 12th के सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम के लिए, ओके। तो जैसे ही आप वो वेबसाइट इंटर करेंगे, तो वेबसाइट इंटर करते ही ये पेज आपके ओपन हो जाएगा, ठीक है। सीबीएसई की जो वेबसाइट बताई हुई है वो वेबसाइट आप जैसे ही इंटर करेंगे तो ये पेज आपका ओपन होगा, ठीक है। तो इस पेज पर आपको अकेडमिक्स पर रखना है, ठीक है। ये जो पेज ओपन होगा इसमें आपको यहाँ अकेडमिक पर रखना है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। अकेडमिक से ट्रेनिंग पे जाएगा, ट्रेनिंग से स्किल एजुकेशन पे, तो आप अकेडमिक पे रखना। जो पहला ऑप्शन है सैंपल क्वेश्चन पेपर्स क्लासेस 10th एंड 12th, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करोगे आप तो इस तरह से क्लास 10th के ये सारे पेपर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्लास 10th का मेन सब्जेक्ट हम लेते हैं साइंस है, तो साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम। आप SQP मतलब सैंपल क्वेश्चन पेपर है, MS मतलब मार्किंग स्कीम है। सैंपल क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे तो सैंपल क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा साइंस का, और इसी तरह से मार्किंग स्कीम पर आप क्लिक करेंगे तो मार्किंग स्कीम ओपन हो जाएगी। तो आप देखें जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर, एक तो साइंस है, देन मेन सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं अपन। तो जैसे हिंदी ए है, हिंदी बी है, आगे कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स बेसिक, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, देन सोशल साइंस, ठीक है। तो सारे ही सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, तो मेन सब्जेक्ट मैंने आपको ये बताए हैं, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट में जैसे हम साइंस के पेपर की बात करते हैं यहाँ पर, तो साइंस के पेपर का जो पैटर्न आने वाला है वो पैटर्न देखते हैं हम। तो 3 आवर्स का साइंस का कोड आपका 086 है, थ्योरी पेपर का 3 आवर्स का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स है 80, ठीक है। तो इसमें देखें द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 4 सेक्शंस, तो 4 सेक्शन होंगे इसमें, ए बी सी एंड डी, ठीक है। देर आर 36 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। तो 36 क्वेश्चंस रहेंगे और सारे क्वेश्चन आपके कंपल्सरी रहेंगे। ध्यान रखना है आपको कितने सेक्शन है आपके, 4 सेक्शन ए बी सी डी। अब देखते हैं फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 20, तो 1 to 20 तक के क्वेश्चन नंबर आपके हैं सेक्शन ए में, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके के होंगे देखते हैं हम। तो इसमें आपके देखो इस बार जो है MCQ भी आएंगे, MCQ के साथ वेरी शॉर्ट आंसर भी है, ठीक है। देन अशर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो जो पहला वाला सेक्शन है वो मुझे दिख रहा है कि सेक्शन तो छोटे क्वेश्चंस का ही है, बट वेराइटी ज्यादा है उसमें। जैसे वेराइटी एक नंबर के ही क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच है, बट वेराइटी आप देखें कि उसमें MCQ भी आपके आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी आपसे पूछ रहे हैं, और साथ में असर्शन रीजन के भी पूछ रहे हैं आपसे। तो आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन है इन पैटर्न की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आंसर जो आपको करना है वो 1 वर्ड और 1 सेंटेंस में आंसर करना है। जैसे वेरी शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन आ गया तो उसको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में ही आपको आंसर करना है। ऐसे सेक्शन बी की बात करते हैं, तो सेक्शन बी में है आपका क्वेश्चन नंबर 21 to 26, नाउ आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट बात सेक्शन बी में क्या आ रहा है आपके, शॉर्ट आंसर टाइप, और शॉर्ट आंसर टाइप में 2 मार्क के क्वेश्चन है। और जो आपको लिमिट दी हुई है इसमें, जो वर्ड्स है आपकी लिमिट वो है 30 to 50, 30 to 50 में आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में आपके आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 to 33, और यह है शॉर्ट आंसर टाइप। तो पहले आपके वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आ गए 1 मार्क में,
देन आगे आप आए जो 21 to 26 है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप आ गए, ठीक है। आगे अगेन 27 to 33 है आपके सेक्शन सी में, वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच, 3 नंबर के अब ये होंगे। एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड इन द रेंज ऑफ 50 to 80 वर्ड्स। इसमें सेक्शन बी में आपके 30 से 50 वर्ड्स का था, इसमें 50 से 80 वर्ड्स का है, तो ध्यान रखना है आपको। सेक्शन डी की बात कर लेते हैं, तो सेक्शन डी में है क्वेश्चन नंबर 34 to 36, और ये है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। 5 मार्क्स के होंगे ये, और आंसर आपको करना है 80 to 120 वर्ड्स में। तो ये तो बात हो गई, जो 4 सेक्शन आने वाले हैं आपके साइंस में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि सेक्शन ए वाला जो पार्ट है उसमें है तो 1 मार्क के ही क्वेश्चन, पर वैरायटी ज्यादा है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे ये दे रखा है, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चन। सो देयर इज नो ओवरऑल, ओवरऑल कोई चॉइस आपको नहीं दी गई है, बट इंटरनल चॉइसेस आपको मिल जाएगी। देन अ स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स इन सच क्वेश्चन। अगर आपको कोई चॉइसेस दी गई है तो कोई सी एक को ही आपको सोल्व करना है, यानी कि आप दोनों ही सोल्व करके आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, एक कोई सा अटेम्प्ट करना है उसको सोल्व करना है, ठीक है। देन वेर एवर नेसेसरी नीट एंड प्रॉपरली लेबल्ड डायग्राम शुड बी ड्रॉन। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, साइंस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाए, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये बात हो गई पैटर्न की, और आगे हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम देखते हैं हम साइंस की। तो ये भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो बच्चों ये जो पीडीएफ है सारे सब्जेक्ट्स के, जो जो अपने मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से सीधे डाउनलोड कर लें, ज्यादा आपको इधर उधर साइट्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये सारे पेपर्स के लिंक, मार्किंग स्कीम प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर, और 10th क्लास के और 12th क्लास के दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह से बच्चों यह मार्किंग स्कीम भी दी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा जब कॉपी चेकिंग होगी आपकी, तो ये मार्किंग स्कीम आप यहाँ से देख सकते हैं, साइंस की मार्किंग स्कीम में इन्होंने जो सिंपल क्वेश्चन पेपर था उसके आंसर्स भी यहाँ लिखे हुए हैं कि किस तरह से आपको आंसर करना है। जैसे आप कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं, जहाँ देखें जैसे ये क्वेश्चन है, तो देखो पहले पावर का इसमें पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/f, ठीक है, फिर सॉल्यूशन क्या हुआ है। तो आप एक बार मार्किंग स्कीम भी बहुत ध्यान से देख लें कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी सीधे आंसर निकाल दिया, आप उसमें देखें आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले की वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके फिर आंसर कैलकुलेट करना है, इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई साइंस के पेपर की। अब साइंस के बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेपर कौन सा है हमारा, एक सैंपल पेपर वो देखते हैं, मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में आप देखें ये जनरल इंस्ट्रक्शंस तो दिए ही हुए हैं, आप देखें यहाँ पे 2 पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो ये ध्यान रखना, ये 3 लिखा हुआ जरूर है, ये 3 को आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, 3 नहीं है यहाँ पर, 2 है। तो पार्ट ए और पार्ट बी है आपके पेपर में, और पार्ट ए पार्ट बी में आप देखें कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी, बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी हैव इंटरनल चॉइसेस। तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो पार्ट ए और पार्ट बी है दोनों में आपके इंटरनल चॉइसेस गिवन है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए में इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 है 16 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस। तो जो पहला वाला सेक्शन है उसमें 16 क्वेश्चन आपके हैं, 16 क्वेश्चन है 1 मार्क के, और इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइड की गई है इन 5 क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे सेक्शन 2 जो है, सेक्शन टू हैज 4 क्वेश्चंस ऑन केस स्टडी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस बार ये केस स्टडी टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें आप, कि ईच केस स्टडी हैज 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स एंड एन एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 out of 5 sub parts। तो यहाँ पर आपको चॉइस दी हुई है कि 5 में से आपको कोई से भी 4 करने हैं। तो ये जरा सेक्शन जो पार्ट ए है, पार्ट ए का जो थर्ड में थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है कि सेक्शन 2 हैज 4 क्वेश्चंस ऑन केस स्टडी, 4 क्वेश्चन से आपके केस स्टडी के, और ईच केस स्टडी हैज 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स। तो ईच केस स्टडी में 5 केस बेस्ड सब पार्ट से आपके, और एग्जामिनी को क्या है 4 अटेम्प्ट करने 5 में से। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 to 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप,
ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। पार्ट बी का जो पहला पॉइंट है उसमें 21 to 26, 21 से 26 तक लेके वे वीएस है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है 2 नंबर के। आगे 27 to 33 शॉर्ट आंसर है, ये 3 मार्क के हैं। 34 to 36 लॉन्ग आंसर है, ये 5 मार्क के हैं। ठीक है, तो आप देख लें यहाँ पर पार्ट बी में आपके 2 मार्क के क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया और 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया। आगे इंटरनल चॉइसेस इज प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। यानी जो पहला वाला पार्ट है जो कि आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप था, उसमें आपको इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की गई है 2 क्वेश्चंस में, ठीक है। और ऐसे ही 3 मार्क्स वाला है, उसमें भी आपको जो है इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की गई है, और 5 मार्क्स वाले में सिर्फ एक ही क्वेश्चन में, 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क, उसमें आपके इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई पैटर्न जो है आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो पेपर आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आप पेपर का पैटर्न अच्छे से समझ लें, पेपर का पैटर्न भी समझ लें। और इस साल तो जो है आप ये भी ध्यान रखें कि आपका सिलेबस क्या है। वैसे हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पार्ट डिडक्ट भी हुआ है तो आगे जाके अगर आप कुछ तैयारी कर रहे हैं या साइंस में ही कुछ करना चाहते हैं तो आपको सब कुछ अच्छे से स्टडी करना ही है, ठीक है। बट फिर भी फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको इस बार ध्यान रखना है कि क्या क्या पार्ट आपका डिडक्ट हुआ है सिलेबस में से, ठीक है। तो हमने बात कर ली यहाँ पर, आगे देखते हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की। अब हम देखते हैं इसकी, इसी तरीके से आप जब इसको यहां से डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा इसका, लिंक से जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको, आप देखें यहां पर मार्किंग स्कीम भी दी हुई है, ठीक है, स्टैंडर्ड की ये मार्किंग स्कीम दी हुई है। मैथ्स में तो मार्किंग स्कीम का और भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है मार्किंग स्कीम का। तो ये जो जो भी बोर्ड ने रिलीज किए हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो आप देखें यहाँ पर, यह मार्किंग स्कीम भी दी हुई है, आप इजीली देख सकते हैं कि स्टेप्स दी हुई है, स्टेप्स में किस तरह से जब भी आपकी सीबीएसई कॉपी चेक होगी तो इस तरह से आपकी मार्किंग होगी कॉपी की। तो ये बहुत ध्यान से आप लोग देख लें, समझ लें इसको, और जब आप और इसी के अनुसार अपनी प्रिपरेशन भी करें, तो प्रिपरेशन जितनी आपकी अच्छी होगी, इसके अकॉर्डिंग आपकी जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी तो उतने ही आपके आपके ज्यादा और अच्छे मार्क्स, फुल मार्क्स आने की आपकी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकें और प्रिपरेशन कर सकें उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है सैंपल क्वेश्चन पेपर और साथ साथ ही ये मार्किंग स्कीम भी। तो ये बात तो हो गई स्टैंडर्ड की, अब आगे हम चलते हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 का। स्टैंडर्ड का हमने देखा क्या पैटर्न आने वाला है, सैंपल क्वेश्चन पेपर हमने देखा और मार्किंग स्कीम भी। इसके बाद है बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक, ठीक है। तो मैथमेटिक्स बेसिक में देख लेते हैं पैटर्न क्या है। यहाँ पर भी 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट ए जो है यहाँ पर सही लिखा हुआ है, देखो वहां तो 3 लिखा हुआ था या 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन 1 एंड 2। यहाँ पर भी देखें सेक्शन 1 है, 16 क्वेश्चंस, इंटरनल चॉइसेस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस, ठीक है, इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइड की गई है आपको। आगे सेक्शन 2 हैज 4 केस स्टडी, तो यहाँ पर भी आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ईच केस स्टडी हैज 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स एंड एन एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5। तो ये बिल्कुल पैटर्न तो हमें जो आपका स्टैंडर्ड का है वैसे ही बेसिक का भी है, ठीक है। तो ये तो हमारा पार्ट ए की बात हो जाएगी। इस तरह से आगे देखते हैं हम पार्ट बी, तो पार्ट बी में वही क्वेश्चन, यहाँ पर भी देख लो आप, वेरी शॉर्ट आंसर है आपका, शॉर्ट आंसर है और लॉन्ग आंसर है। वेरी शॉर्ट आंसर आपका 2 मार्क का है, शॉर्ट आंसर आपके 3 मार्क का है, ठीक है, एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क का है, ठीक है। चॉइसेस वही पहले जो 2 मार्क का, उसमें 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स चॉइस दी गई है, इंटरनल चॉइस, देन 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, सेकंड वाले में भी इंटरनल चॉइस दी हुई है और लास्ट वाले में एक इंटरनल चॉइस दी हुई है। तो पैटर्न तो सेम ही है स्टैंडर्ड का और बेसिक का, जैसा कि हमने अभी देखा वही पार्ट ए पार्ट बी यहाँ पर भी है, पार्ट ए पार्ट बी आपका स्टैंडर्ड में भी था, ठीक है। तो इस तरह से बाकी भी सारे पेपर्स क्लास 10 के यहाँ पर दिए हुए हैं, उनकी मार्किंग स्कीम अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया हुआ है,
लिंक से आप ये सारे पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसे मार्किंग स्कीम आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बेसिक पेपर है, बेसिक पेपर की भी मार्किंग स्कीम आपके बताई हुई है, ठीक है? तो यहाँ से आप देख लेना। अब हम थोड़ा मूव करते हैं और क्लास 10th से हम चलते हैं 12th के लिए, ठीक है? 12th का देखते हैं हम, 12th का किस तरह का पैटर्न है। तो वन सेकेंड, तो जैसे ही आप वहां दो लिंक प्रोवाइड किए गए, तो आप जैसे ये लिंक था सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लासेस 10th एंड 12th, तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, अब आप 12th के बच्चे हो तो 12th के लिए जाओगे, ठीक है? तो 12th के सब्जेक्ट्स आपके ओपन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सारे जो सब्जेक्ट है सीबीएसई के, वो सब्जेक्ट्स यहाँ पर इन लिस्ट है, उसकी लिस्ट आपको यहाँ दी हुई है, वही एसक्यूपी सैंपल क्वेश्चन पेपर एमएस मार्किंग स्कीम। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जो भी पेपर जिसका भी आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और जिसकी भी मार्किंग स्कीम डाउनलोड करनी है, आप इस पे क्लिक करें तो वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं आपको दिए हुए हैं। तो हम कुछ सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे हम साइंस की फैकल्टी हैं, ठीक है? वैसे ये लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सारे जो इम्पोर्टेंट पेपर है उनका, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हम फिजिक्स के पेपर की बात करते हैं, ठीक है? फिजिक्स के पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, तो 70 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है? 70 मार्क्स का पेपर है, टाइम अलाउड है 3 आवर्स, तो है ना? तो इसमें हम देख लेते हैं क्या किस तरह से डिवाइडेड है पेपर, क्या पैटर्न क्या है पेपर का। सो दिस क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी एंड देर आर 33 क्वेश्चन इन ऑल, तो टोटल 33 क्वेश्चन है इस फिजिक्स के पेपर में, 70 मार्क्स का आपका पेपर है। द क्वेश्चन पेपर इज 5 सेक्शंस, 5 सेक्शन है, ए बी सी डी ई, ठीक है? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, इस तरीके के आपके सेक्शन बने हुए हैं। अब यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो सेक्शन ए है आपका, वो सेक्शन ए में वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखें आप, तो सेक्शन ए कंटेन्स 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो 10 तो आपके वेरी शॉर्ट आंसर आ गए, ठीक है? ध्यान से आप सुनते आना, 10 तो आपके आ गए वेरी शॉर्ट आंसर, 4 आ गए आपके असर्शन रीजन, ठीक है? असर्शन रीजन एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच, ठीक है? देन ये तो बात हो गई सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में आपके एमसीक्यू आ रहे हैं, असर्शन रीजन है, ठीक है, और वेरी शॉर्ट आंसर भी हो गए 1 मार्क के। सेक्शन बी हैज 2 केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क ईच, तो सेक्शन बी की जहां बात करें तो सेक्शन बी में आपके 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है आपके केस बेस्ड, ठीक है? केस बेस्ड सेक्शन बी में केस बेस्ड क्वेश्चन है 2, और वो 4 नंबर के हैं, 4 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी कंटेन्स 9 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क ईच, तो 9 क्वेश्चन आपके सेक्शन सी में बन रहे हैं, ठीक है? 9 शॉर्ट आंसर टाइप के हैं और 2 नंबर के ही हैं। आगे सेक्शन डी कंटेन्स 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, तो सेक्शन डी में आपके 5 है शॉर्ट आंसर टाइप के हैं और 3 मार्क्स के हैं, और सेक्शन ई कंटेन्स 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क ईच। तो इस तरह से जो है ये सेक्शंस बनाए हुए हैं। एक बार और बता देता हूँ, सेक्शन ए जो है आपका 1 मार्क का है, जिसके अंदर आपके एमसीक्यू आ गए, असर्शन रीजन आ गए और वेरी शॉर्ट आंसर आ गया। सेक्शन बी आपका केस स्टडी बेस्ड होगा, केस बेस्ड होगा, जो कि 4 मार्क का होगा, 2 केस 2 क्वेश्चन है 4 मार्क के, ठीक है? सेक्शन सी जो है उसमें 9 शॉर्ट आंसर 9 क्वेश्चन है 2 मार्क के, और सेक्शन डी में है 5 क्वेश्चन 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 3 मार्क के, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके 5 मार्क के, लॉन्ग आंसर जो है आपके 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है? एंड देर इज नो ओवरऑल चॉइस, हाउ एवर इंटरनल चॉइसेस इज प्रोवाइडेड, तो ओवरऑल तो कोई चॉइस आपको नहीं दी गई है, पर इंटरनल चॉइस जरूर है, यू हैव अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द चॉइसेस इन सच, अगर कहीं पर आपको चॉइस मिलती है तो कोई सी एक ही अटेम्प्ट करनी है, ऐसा नहीं कुछ बच्चे 2 कर जाते हैं तो भाई नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना है। 2 अगर कहीं पर चॉइस आपको दी गई है तो आपको एक ही पार्ट उसका अटेम्प्ट करना है। तो ये पैटर्न है आपके फिजिक्स के पेपर का, ठीक है? आगे आप देख सकते हैं, ये सैंपल जो है आपको सिंपल पेपर दिया हुआ है फिजिक्स का, है ना? इसके साथ आप यहाँ पर बॉटम में जाएंगे इस पीडीएफ के, ये पूरा आपको पेपर सिंपल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन पेपर के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी मार्किंग स्कीम भी देखो। मार्किंग स्कीम हमें ये सिखाती है कि भाई कितना लिखना है। अगर आपको पता है कि भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है और मेरे को तो 6 बहुत ही ज्यादा अच्छा था, तो भाई मैं लिखता ही जाऊंगा उसके अंदर, ये काम नहीं करना अपन को, ठीक
मिलना तो एक ही नंबर है, आप चाहे कितना ही लिखो। और ये भी हो सकता है ज्यादा उल्टा सुल्टा लिख दोगे तो और नंबर कट जाएंगे। तो मार्किंग स्कीम देख ले आप अच्छे से, और मार्किंग स्कीम में देखें कि भाई कितना लिखना चाहिए मेरे को, उतना ही लिखो, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो चांसेस बढ़ेंगे आपके अच्छे नंबर आने के, और दूसरा जो फायदा आपको होगा, आपका टाइम सेव होगा, और अपना वो टाइम आप किसी और क्वेश्चन में दे सकते हो और करेक्शन में दे सकते हो। एक बार पेपर कंप्लीट हो गया तो दोबारा उसको देख सकते हो कि भाई कोई कमी तो नहीं रह गई। तो इसलिए जो है मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप मार्किंग स्कीम्स की देख लेना। तो ये तो हमारे फिजिक्स के पेपर की बात हुई। फिजिक्स के बाद नेक्स्ट पेपर देखते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का भी 70 मार्क्स का है, 3 आवर्स का आपका पेपर है, ठीक है। इसमें भी टोटल 33 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन ए जो दिया हुआ है, सेक्शन ए में है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर केस बेस्ड क्वेश्चंस, हैविंग 4 MCQs और रीजन असर्शन रीजन टाइप बेस्ड ऑन गिवन पैसेज ईच कैरिंग। तो सेक्शन ए जो है बेसिकली 1 मार्क का ही है, और उसमें आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन बनेंगे या असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है। आगे देखें, दूसरा जो सेक्शन है आपका, सेक्शन ए ही लिखा हुआ है इन्होंने, क्वेश्चन 3 to 16। अच्छा, क्वेश्चन ए में 1 to 2 तो आपका ये हो गया, सेक्शन ए की ही बात कर रहे हैं, तो 1 to 2 आपका एक केस बेस्ड हो गया जिसमें असर्शन रीजन और एमसीक्यू की बात हो गई, 1 नंबर का हो गया। ये भी सेक्शन ए में ही 3 से लेके 16 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू और रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क के होंगे। तो 1 to 2 में तो क्या है, केस बेस्ड वाले हो गए, असर्शन रीजन एमसीक्यू, ठीक है। और 3 से 16 तक, 3 to 16 तक आपके एमसीक्यू रहेंगे, एंड दैट इज असर्शन रीजन, ठीक है। असर्शन रीजन टाइप होगा 1 मार्क का। तो ये बात हो गई आपकी। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। बी में 17 to 25 है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और 2 नंबर है उसके, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और दो 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी सी की बात कर ले तो 26 to 30 ये है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड कैरी 3 मार्क्स। तो 1 मार्क का तो सेक्शन ए वाला पार्ट हो गया, सेक्शन बी 2 मार्क का हो गया आपका, सेक्शन सी 3 मार्क का हो गया, सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप है, 31 to 33 क्वेश्चन ये है आपका 5 मार्क का, ठीक है। वही ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस दी हुई है, और इंटरनल चॉइस में भी अगर आपको जहां पर इंटरनल चॉइसेस दी हुई है वहां पर वही एक ही पार्ट अटेम्प्ट करना है वापिस, वो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। तो ये बात होती है केमिस्ट्री के पेपर के पैटर्न की, ठीक है। इसी तरह से आप जब इसमें पीडीएफ में नीचे जाएंगे, पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, दोबारा बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट डाउनलोड कर लें, ज्यादा नेट पे इधर उधर घूमने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं, इसके नीचे आप आओगे, ये मार्किंग स्कीम आपको दी हुई है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की मार्किंग स्कीम आप यहाँ से देख लें, ठीक है, किस तरह से आपको लिखने हैं आंसर, कैसे मार्किंग होगी, ये सारा आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के बाद, एक और बहुत अच्छा सा सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में 70 मार्क्स, 3 आवर्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर ले, सेक्शन देख ले, 33 क्वेश्चन है, सेक्शन वही आपके ए बी सी डी है, ठीक है। सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए 14 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच एंड 2 केस बेस्ड क्वेश्चन जैसे केमिस्ट्री में थे, यहाँ पर भी 2 जो है वो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है और 1 1 मार्क के हैं। सेक्शन बी में 9 क्वेश्चन है 2 मार्क के, सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन है 3 मार्क के, और सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन है 5 मार्क के। ये आपका जो है सेक्शन इसमें बने हुए हैं बायोलॉजी के पेपर में, और उसके साथ साथ कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है। अगर इंटरनल कहीं पे चॉइस है तो आपको एक ही पार्ट अटेम्प्ट करना है। ये आपके बायोलॉजी की बात हुई। इसी तरह से आप यहाँ नीचे जाएंगे, तो नीचे जाओगे तो बायोलॉजी की भी आपको मार्किंग स्कीम दी हुई है। यहाँ से आप अच्छे से देख लें कि आपको बायोलॉजी तो वैसे भी मेनली थ्योरी ही लिखना होता है बायोलॉजी में, तो आप देख लें कि किस क्वेश्चन में कितनी थ्योरी लिखनी है, किस तरह से लिखनी है, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप उसमें ला सके, ठीक है। अब एक लास्ट में हम बात कर लेते हैं, जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बच गया है वो है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स देख लें, यहाँ पर वही 3 आवर्स का आपका पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स इसके हैं 80। तो दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स ए एंड बी, 2 पार्ट है ए और बी, ईच पार्ट इज कंपल्सरी, दोनों कंपलसरी है। पार्ट ए में जो है 24 24 मार्क है, और पार्ट बी जो है 56 मार्क का है, ठीक है। सो ईच पार्ट इज कंपल्सरी, पार्ट ए कैरीज 24 मार्क्स एंड
पार्ट बी कैरीज 56 मार्क्स। नाउ पार्ट ए हैज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड पार्ट बी हैज डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो देखें बेटा, आप यहां पर देखो पार्ट ए में 24 नंबर है आपके पास, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो आप, बहुत बढ़िया है। 24 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हो और ये प्रैक्टिस आपके काम भी आएगी, क्योंकि आपने 12th में साइंस में इस लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आगे जाके आपका जो एम है वो इंजीनियरिंग ही है, वहां पर एमसीक्यू आपको करना ही है। तो आप अच्छे से यहाँ प्रिपरेशन करें एमसीक्यू की, ठीक है। और पार्ट बी जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है। नाउ पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शन, वन एंड टू। सेक्शन वन कंप्राइजेस ऑफ 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखें आप पार्ट ए में जो 24 मार्क्स तो हैं, पर 24 मार्क्स में से 16 तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। पार्ट एक दो पार्ट हो गए इसके, तो एक तो वेरी शॉर्ट आंसर आपको करना है और दूसरा आप देख लें तो सेक्शन टू कंटेन्स टू केस स्टडीज। ईच केस स्टडी कंप्राइजेस ऑफ 5 केस बेस्ड एमसीक्यू एंड एन एग्जामिनीज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 एमसीक्यू। तो ये आप बहुत ध्यान से रीड कर लें कि दो ओवरऑल पेपर में तो दो सेक्शन बने हुए हैं आपके, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए आपको 24 मार्क का है और पार्ट बी 56 मार्क का है, ठीक है। पर आगे जो आप देखना है आपको कि पार्ट ए हैज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड पार्ट बी हैज डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो पार्ट ए के अंदर भी आपके कह रहे हैं कि पार्ट ए में दो सेक्शन है, वन और टू। सेक्शन वन जो है 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और सेक्शन टू है 2 केस स्टडीज। दो केस स्टडी आपको मिलेगी यहाँ पर एंड ईच केस स्टडी कंप्राइजेस ऑफ 5 केस बेस्ड एमसीक्यूज। तो एन एग्जामिनीज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 एमसीक्यू। तो आपको कोई से भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के अंदर आपके सेक्शंस बने हुए 3, 3, 2, 3, 4, 5। तो 1 और 2 तो वहां हो गए पार्ट ए में। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आ रहे हैं आपके 3, 4 एंड 5। तो सेक्शन 3 कंप्राइजेस ऑफ 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क, तो 10। तीसरे वाले में 10 क्वेश्चन तो 2 मार्क के हैं, 7 क्वेश्चन 3 मार्क के हैं और 3 क्वेश्चन है 5 मार्क। यानी तीसरा तीस थर्ड जो पार्ट सेक्शन 3 है उसमें 10 क्वेश्चन है 2 मार्क के, फोर्थ जो सेक्शन 4 है उसमें 7 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, और सेक्शन 5 में जो है 3 क्वेश्चन है 5 मार्क के, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए इंटरनल चॉइसेस आपको दी हुई है कि इंटरनल चॉइसेस इज प्रोवाइडेड इन 3 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 मतलब कौन सा हो गया आपका, 2 नंबर वाला। तो 2 मार्क वाला जो है आपका सेक्शन, उसमें आपको इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की गई है, ठीक है। आगे देखिए 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 4, ठीक है, एंड 3 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 5। नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, जो भी आपको अटेम्प्ट करना हो, जो जो हम भी इंटरनल चॉइसेस दी हुई है, तो आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं कि सारे अटेम्प्ट कराएं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। तो जो भी आप जहाँ भी आपको चॉइसेस दी हुई है, तो वो जो चॉइसेस है वो आपको अटेम्प्ट करनी है, उतनी ही चॉइस अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पेपर का पैटर्न दिया हुआ है मैथमेटिक्स का आगे, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख लें, पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट इसी में आप नीचे आएंगे, नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं, ठीक है, यहाँ आ जाएंगे आप। तो नीचे आएंगे तो यहाँ मार्किंग स्कीम दी हुई है। तो जैसा मैं आपसे अभी तक कहता आ ही रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मार्किंग स्कीम को देखें, तो आपके आपके पता रहे कि भाई किस क्वेश्चन में हमें कितना अटेम्प्ट करना है। वैसे मैथमेटिक्स में दिक्कत है ही नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है और आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स जो है वो आपके यहाँ पर डिस्कस करे हैं, या उनकी जो पेपर का पैटर्न आपके आने वाला है इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में,